90 साल के माता जी 95 साल के माता जी भी एकदम जवान होकर नृत्य कर रही हैं, करंट आ जाती है एकदम। हाँ, भगवान की कृपा ऐसी होती है, एकदम करंट दौड़ने लगती है शरीर में। हाँ, एकदम नाचने लगते थे। हरे कृष्ण। ये पंखा ना घुमा दे, हवा इसमें टक्कर मार रहे। इस प्रकार सुंदर रूप से सभी ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं। बोलते नित्य प्रतिदिन आनंद चल रहा है, नित्य प्रतिदिन बधाई गब रही है। हमने तो मात्र तीन ही बधाई गाई है, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, नित्य प्रतिदिन बधाई गब रहे हैं। अब देखो ऐसा सुंदर माहौल है वृंदावन का। अब देखो नंद बाबा कहते हैं कि मैं देखो करके करके आता हूँ, आप लोग जब तक लाला को संभालो मैं कंस को कर दे करके आता हूँ। और कंस के पास गए नंद बाबा कर देने के लिए, और वहाँ जाकर के जब वसुदेव से जब मिले वसुदेव कहने लगे आप यहाँ क्यों आए हैं, अरे आप जल्दी जाइए गोकुल में, संत उत्पात उच्च गोकुल, अरे कोई उत्पात हो जाएगा आपके पीछे, आप जल्दी जाओ, ऐसे कहने लगे। तो बोलते नहीं कोई बात नहीं, बोलते देखो हमारा तो कोई संतान नहीं, बोलते मैं समझू हूँ भैया। कंस ने किसी को भी नहीं छोड़ा, बोलते कोई बात नहीं हमारा एक तो है और हम तो छोटे को भी अपने ही मान लेंगे। बोलते बिल्कुल संत को चमत्कार ही हो भैया, अपना ही मानिए, तुम्हारा ही है। हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही है, बिल्कुल संकोच मत कर, ऐसे कहने लगे। और इस प्रकार गोकुल में कर दे करके नंद बाबा पुनः वापस आ रहे। क्यों? क्योंकि वसुदेव महाराज संकेत कर दिया था। अब देखो वो तो देवी अष्टभुजा रूप धारण करके आसमान में चली गई थी, और उसने कहा रे दुष्ट कंस मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, अरे तुझे मारने वाला तो कहीं ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। तो बोलते माता ये तो बता कि जाओ कौन से गांव में जन्म लिया है। तो माता कहती गांव की नाम तो मैं नहीं बताती। हाँ यत्र कुआ कोबा कहीं 84 क्रोश ब्रज मंडल में कहीं जन्म ले चुका है, परंतु मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे कहने लगे। अब देखो माता तो चली गई, कंस आपातकालीन मीटिंग बुलाया, और मीटिंग बुला करके कहते भैया वो बड़ा हो करके मुझे मारे, अभी से ही उसको खत्म कर दिया जाए तो ही बढ़िया है ना, और बड़ा होगा पहलवान हो जाएगा, कहीं मैं मारना पाऊँ मुझे ही मार दे, हाँ इसलिए अभी से तुम लोग करो क्या करना है। अब कंस के पास बहुत सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे, अगासुर भगासुर उतना। अब देखो बगल में खड़ी थी मौसी जी खड़ी थी बगल में उतना मौसी, और कहने लगी भैया चिंता मत करो, मैं काई 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 काम क्या हूँ, अरे मैं जाऊंगी बहुत सुंदर और जाकर के सबको पकड़ पकड़ के मार डालूंगी। बोलते ये भैंस लेके तुम जाओगी और दूसरे के बच्चे को मारोगी, अरे तुमको कौन घुसने देगा इतना विकराल रूप। बोलते चिंता मत करो घूंघट कर लूंगी, घूंघट में बड़ा सहायता मिलता है, हाँ पता ही नहीं चलेगा, घूंघट कर लूंगी इतने सारे, यहाँ तो नहीं करते घूंघट, जहाँ करते वहाँ बड़ा सहायता मिलता है घूंघट करने से। क्यों घूंघट करते रहो, सो रहे हो जग रहे पता ही क्या चीज है ना। अब देखो बोलते मैं घूंघट करके चली जाऊंगी ना, चिंता मत करो।
बोले इतने बड़े बड़े दांत को कहाँ ले जाओगी, इतने बड़े बड़े दांत, बोले चिंता मत करो कैंची से छटवा लूंगी दांत को। हाँ ऐसे ऐसे तरह तरह की उपाय देने लगी। और पुतना क्या किया, ब्रज में जैसे आ रही है तो इतना सुंदर रूप बनाया पुतना, इतना विश्व सुंदरी बन गई। लक्ष्मी जी भी फेल, मानो इतना सुंदर रूप धारण करके आई ब्रज में। टीकाकार कहते हैं कि वो जो सुंदर बना वो भी भगवान की लीला शक्ति ने उनको ऐसा करने के लिए उनका बुद्धि में प्रेरित किया। तो इसलिए सुंदर एकदम बन करके आई और आ रही है। कोई कह रहे अरे माता आप कहाँ चली जा रही है, बोलते एक कहता है तो को नहीं मालूम कि कहाँ जा रही है, बोलते कहाँ, बोलते ये नंद जी के जसोदा मैया के बहने लगती है, जब तक घुसी चली जा रही है एकदम, किसी से कुछ भी नहीं रही है। अब पुतना कहती बहुत अच्छा मौका है चली जाऊं, मेरे को तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, अब देखो जा रही हूँ। अब जाते जाते क्या हुआ, जैसे नंदरानी को देखा पुतना, अब उनको क्या मालूम ब्राह्मण होते क्या है क्या नहीं होते, और जाकर के एकदम नंदरानी के चरण छू ली और छू करके बोलते मेरे पति आए इतना आशीर्वाद देने, इसलिए मैं भी आ गई आशीर्वाद देने। वो तो हो आपके पति आए थे आशीर्वाद देने, इसका मतलब आप तो ब्राह्मण ही है। अरे बहना आप मेरे चरण का ही कुछ हुए, आप एक ब्राह्मणी होकर के मेरे चरण छू लिए, अब उनको क्या मालूम ब्राह्मण क्या होते हैं। रुधिरासना गिरा खून पान करने वाली पुतना, उनको क्या मालूम कि ब्राह्मण क्या होता है। अब देखो वो इतनी सुंदर बन के आई, यशोदा मैया सोचने लगी आप तो ऐसे लगते हो कोई देवी हमारे घर में पधारे। रोहिणी माता कहती बिल्कुल टेंशन मत करो, ये तो कोई देवी ही है, हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। नंद रानी कहती है देखो बहना मेरे घर में बहुत लोग आ रहे हैं ना, आदर सत्कार करना पड़ेगा, थोड़ा मैं बिजी व्यस्त हूँ, ऐसा करो आप हमारे बालक को संभालो। उतना कहती मैं आई किस लिए हूँ, अरे आप निश्चिंत होके जाओ बाहर, मैं आई इसलिए हूँ, मेरे को दे दो बालक, निश्चिंत होके बाहर जाओ। और पुतना ने उस बालक को ले दिया। और कैसे आई थी, बोलते कालकूट विष लगा के आई थी, और कालकूट विष लगा के आई, सोच रही थी कि जैसे ही मैं इसके मुख में दूंगी दूध और दो चार घूंट पीते ही बस हो जाएगा इसका कल्याण, और मेरे को कौन पकड़ेगा, मैं तो आसमान उड़ के चली जाऊं। हाँ इस प्रकार सोचने लगी। अब देखो कन्हैया को लेकर के जैसे वो पिलाने लगी दूध, इतने में क्या हुआ, धीरे धीरे पी रहे कन्हैया बड़े मस्ती से, देखा तो इसको तो कुछ होता नहीं है, दो मिनट हो गया दूध पीते पीते कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्या बात है। अब तो पुतना मौसी के धीरे धीरे ऑक्सीजन अवरुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजन रुक जा रहा है, बोलते मेरे इसको तो कुछ होता नहीं, मुझे ही कुछ होता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और क्या हुआ कि तस्मिन स्थानम गुरुचर्य मूल वणम घोरांक मादाय शिशिरो बद्धस्थ गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्यतात् प्राणै समं रोषस समं पिबात्। और गाढ़ं कराभ्यं बड़े कसके भगवान पकड़ लिए पुतना को। अब फिर क्या हुआ, पुतना के तो एकदम जी घबराने लगा, श्वास अटकने लगा। अब पुतना मौसी कह रही मुंच मुंच मुंच, अरे छोड़ मुझे छोड़, ऐसे कहने लगी, अरे बहुत एकदम पकड़ के रखा बच्चा छोड़। वो बोलते नहीं नहीं मौसी जी, मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता ही नहीं, यही तो मेरा आदत है। अब देखो पुतना मौसी को जब ऐसे बोले बालक, अब 7 दिन के बालक जब ऐसा बोले तो आश्चर्य लगने, बोलते मरता तो है नहीं, बूढ़ा होकर पर बोलता है, बूढ़ा बाबा जैसे बोल रहा है बिल्कुल, बताओ। हाँ बोलते मैं जिसको एक बार पकड़
पढ़ लेता हूँ उसको।